स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमने चिकन लिया है लगभग 300 ग्राम के करीब। यहाँ पे 3 हरी मिर्चें लिए हैं, आप तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ 12 से 15 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। 2 इंच के करीब हमने अदरक लिया है। हमें हरी धनिया की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने काली मिर्च ली है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े गरम मसाला, थोड़े चाट मसाला और थोड़ा ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे हम थोड़ा बड़ी 2 चम्मच दही यूज़ करेंगे और ये घर वाली हम मलाई यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से फेंट देंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जार लेंगे, उसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हम डाल लेंगे। इसके बाद हम हरा धनिया भी डाल लेंगे। डालकर हमें इसे पेस्ट बना लेना। ये देखिए हमारे पीस बन के तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम एक बॉल लेंगे, उसमें अपने चिकन के पीसेस डालेंगे। फिर हमने जो पेस्ट बनाया था इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम जो दही लिए थे इसमें डालेंगे। दही डालने के बाद हमने जो सूखे मसाले लिए थे वो हम सब डाल देंगे। इसके बाद हम ये थोड़ी मलाई यूज़ कर रहे हैं। मलाई हम अपने कबाब को सॉफ्ट करने के लिए डालते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम 1 घंटे रखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 घंटा आप रख सकते हैं। ये देखिए हमारे चिकन को 1 घंटे हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने एक कढ़ाई लिया है, मैंने पहले इसे गर्म कर लिया है। इसमें हम थोड़े से ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम अपने चिकन के पीसेस को ऐड कर लेंगे। पानी कोई ऐड नहीं करना। बाद में फिर मुझे फिर हमारा चिकन जो है टेंडर हो जाएगा। इसे भूनना भी नहीं है, बस इसे हमें ढककर टेंडर होने तक पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जो चिकन है टेंडर भी हो चुके हैं और साथ ही इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है। अब इसे हमें 2 मिनट और अच्छे से सुखाना है हाई फ्लेम पे, ताकि मसाले जो हैं चिकन के पीसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। अब हमारे चिकन जो है रेडी हो चुके हैं। अब हम गैस को कर लेंगे बंद। हम नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ये देखिए फिर हमने गैस के बर्नर पे हमने चारकोल का पीस लिया है और उसे हमने ऐसे जला दिया है। अब हम चिकन के पीसेस को इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसको स्मोकी एक फ्लेवर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हम एक एक करके अपने सारे पीसेस को ऐसी तरह से हम स्मोकी दे देंगे फ्लेवर में। ये देखिए हमने 2 पीसेस ले लिए हैं। हमें इसे जलाना नहीं है, बस एक फ्लेवर देना है हमें।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कबाब को टमाटो केचप के साथ सर्व कर लिया। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।